दोस्तों आज तारीख है 21 फरवरी 2022 और आइए चलते हैं बिहार सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और अन्य 37 को रांची सीबीआई की अदालत आज सजा सुनाएगी। चारा घोटाले के मामले में डोरंडा कोषागार से पैसे की निकासी को लेकर हुई सुनवाई के बाद सीबीआई के विशेष जज एसके शशि दोषियों के लिए सजा का ऐलान करेंगे। कोर्ट की यह पूरी कार्रवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली है। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार प्रशासन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तैयारियाँ पूरी कर ली है। राजद सुप्रीमो के लिए रिम्स के पेइंग वार्ड में ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था की जाएगी। अगली खबर, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राजद कार्यालय में युवा कांग्रेस की बैठक को संबोधित किया। इसमें उन्होंने कहा कि कुछ राजनीति में नेता बनने आते हैं, कुछ पद पाने के लिए आते हैं, कुछ लोग बॉडीगार्ड पाने के लिए आते हैं, कुछ शॉर्टकट से आते हैं, कुछ मेहनत करते हैं। हम सबको केवल पद के लिए नहीं रहना चाहिए। कई लोग ऐसे हैं जो लगातार झंडा उठाए हुए हैं। अलायंस के दौर में कई लोगों को टिकट नहीं मिल पाता। अगली खबर, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हिजाब विवाद सिर्फ हिजाब को लेकर नहीं है, इसकी स्क्रिप्ट पाकिस्तान में लिखी गई। सैकड़ों साल से गोवा गजबा हिंद का ख्वाब देख रहे, एक बार भारत को तोड़ने में सफल हुए थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हम भारत को टूटने नहीं देंगे, ऐसा ख्वाब देखने वालों को मुंहतोड़ जवाब देंगे। गिरिराज सिंह मुजफ्फरपुर में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, वहीं उन्होंने कांग्रेस और सपा पर भी जमकर निशाना साधा। और बिहार के औद्योगिक संगठन बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने राज्य सरकार से औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल की दरों में छूट की मांग की है। चैम्बर ने सरकार से लिखित मांग करते हुए उद्योगों को हुए नुकसान को कम करने के लिए विद्युत दरों में छूट की मांग की। राज्य में इंडस्ट्रीज और व्यवसाय में इस्तेमाल होने वाले बिजली पर सरकार से कोई सब्सिडी नहीं दी जाती है। सरकार आम उपभोक्ताओं को इससे थोड़ी राहत दे रही है और घरेलू उपयोग में आने वाली बिजली पर सब्सिडी दी जा रही है, लेकिन औद्योगिक इकाइयों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को ये छूट नहीं मिलती है। अगली खबर, 16 फरवरी को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर को एक बड़ी सौगात के तौर पर जू सफारी का लोकार्पण किया था। लोकार्पण के अगले दिन के बाद ही कुछ विशेष कारणों से जू सफारी को बंद कर दिया गया था। पुणे जू सफारी को आज से शुरू किया जा रहा है। पुनः जू सफारी को शुरू कर दिया गया है, जिसमें कई बदलाव किए गए। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि यह बिहार का इकलौता जू सफारी है। अगली खबर, शेखपुरा जिले में काफी दिनों बाद कोरोना के 3 नए पॉजिटिव मामले मिले। लगातार अंतराल पर पॉजिटिव मिलने से अभी भी यहां कोरोना के 6 सक्रिय मरीज हैं। जिले के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा नमूनों की सदर अस्पताल में आरटीपीसीआर जांच में पॉजिटिव मामले सामने आए। प्रखंड प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर एंटीजन जांच में कोई मामला सामने नहीं आया है। जांच कार्य ट्रूनेट से भी किया जाएगा। 0.54% संक्रमण की दर से कोरोना के सक्रिय मामलों में जिला राज्य रैंकिंग में 30वें स्थान पर बना हुआ है। अगली खबर, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने उनके लिए न्याय यात्रा निकालने का ऐलान किया। इसके लिए नया लोगो जारी किया गया है। इस नए लोगो में न्याय के चिन्ह के रूप में तराजू दिखाया गया है। साथ ही लालू प्रसाद यादव की चश्मा लगी हुई तस्वीर भी इसमें है। लोगों में कहा गया कि सजा नहीं साजिश है। स्पष्ट है कि तेज प्रताप यादव इस बात का प्रचार प्रसार करेंगे कि लालू प्रसाद को साजिश के तहत फंसाया तो गया है, दी जा रही सजा भी साजिश का हिस्सा है। यह न्याय यात्रा 21 फरवरी से बिहार में निकलने वाली है। अगली खबर, बिहार में स्वास्तिक के इस्तेमाल पर जारी घमासान पर अब बीजेपी नेता व राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने आरजेडी को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इन लोगों को यह भी नहीं मालूम कि भारत का स्वास्तिक चिन्ह हिटलर के चिन्ह से बिल्कुल भिन्न है। स्वास्तिक शुभ चिन्ह हमारी हजारों वर्ष पुरानी वैदिक सभ्यता और संस्कृति का हिस्सा है। कहा कि सदियों से भारत में शुभ अवसरों पर स्वास्तिक चिन्ह बनाए जाते रहे, लेकिन जिनकी समझ अपने मनीषियों के ग्रंथों की उपेक्षा और भारत विरोधी लेखकों की चंद किताबें पढ़ने से बनी है, केवल वो ही स्वास्तिक से दुराग्रह प्रकट कर सकते हैं। अगली खबर, मुजफ्फरपुर के पताही हवाई अड्डे से एक बार फिर उड़ान की तैयारी है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इसे लेकर जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है। हेली सेवा पोर्टल पर हवाई सेवा की तमाम जानकारी देने को कहा गया है, ताकि विभिन्न कंपनियों को मुजफ्फरपुर के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की NOC ऑनलाइन ही मिल सके। इसके आलोक में DM प्रणब कुमार ने 4 अधिकारियों की टीम बनाई है। इसमें SSP जयंतकांत भी शामिल है। अगली खबर, CM नीतीश कुमार 22 तारीख को भागलपुर आएंगे। भागलपुर के हवाई अड्डे मैदान में समाज सुधार अभियान के तहत जीविका दीदियों से संवाद करेंगे। इसको लेकर DM सुब्रत कुमार सेन, SSP बाबू राम, CTSP स्वर्ण प्रभात, DDC प्रतिभा रानी समेत कई पदाधिकारियों ने हवाई अड्डे मैदान में बन रहे मंच, पंडाल व हेलीपैड का जायजा लिया।
साथ ही जल्द सुसज्जित तरीके से काम संपन्न कराने के दिशा निर्देश दिए। सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा, कार्यक्रम में कई तरह के स्टॉल लगेंगे और इसको लेकर दिशा निर्देश भी दिया गया है। अगली खबर, जन अधिकार पार्टी सुप्रीमो पप्पू यादव ने भाजपा के बाद अब राजद पर निशाना साधा। पप्पू यादव नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर बरसे। उन्होंने तेजस्वी यादव को जाहिल कवार पॉलिटिशियन कहा। पप्पू यादव गया में 15 फरवरी को ग्रामीणों और प्रशासन के बीच हुए हिंसक झड़प को लेकर तेजस्वी पर निशाना साधे। उन्होंने कहा कि राजद को मगध क्षेत्र से सबसे ज्यादा वोट मिलता है, लेकिन फिर ये लोग मगध के लोगों के साथ खड़े नहीं होते। पप्पू यादव ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि 90% राजद और बीजेपी के लोग शामिल हैं जो बालू माफिया हैं, और कहा गया कि बालू माफियाओं और प्रशासन ने गांव की महिलाओं पर जुल्म भी किया है। अगली खबर, बिहार में जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर है। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद से कई मुखिया और अन्य त्रिस्तरीय पंचायत से जुड़े प्रतिनिधियों की हत्या हो चुकी है। इस संबंध में पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि गृह विभाग की तरफ से 13 बिंदुओं पर निर्देश जारी किए गए हैं। आपराधिक घटना में मुखिया की हत्या होने पर SIT का गठन किया गया है और कार्रवाई भी लगातार की जा रही है। मंत्री ने कहा 3 महीने में जांच रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करना होगा। सम्राट चौधरी ने कहा कि रिपोर्ट के आधार पर स्पीडी ट्रायल कराया जाएगा और अगले 3 महीने में सजा दिलाई जाएगी। मंत्री ने कहा कि मुखिया अपनी सुरक्षा के लिए जिला में बने सुरक्षा समिति में अपनी बात रख सकते हैं, जरूरत पड़ने पर उन्हें सुरक्षा कर्मी मुहैया कराए जाएंगे।